बिपार्ड जब बच्चों ने सुना कि बिहार में भी इस बार ट्रेनिंग हो रही है तो बहुत सारे यूपी बिहार बंगाल असम के बच्चे ये जान के खुश हुए कि इस बार वो घर के पास ही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। बिहार में पहली बार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। ये ना सिर्फ बिहार के लिए एक गर्व की बात थी बल्कि बीइंग अ बिहारी हम लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा अवसर था कि हम अपने नेटिव स्टेट में जाके अपना फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स डीआर के ट्रेनिंग का प्रपोजल आईएसटीएम द्वारा बिपार्ड को प्राप्त हुआ था। उन्होंने सभी एटीआई को लेटर भेजा था जिसमें उनके द्वारा डिमांड किया गया था कि आप एटीआई प्रपोजल भेजें प्रशिक्षण के लिए। तो बिपार्ड के द्वारा भी प्रपोजल भेजा गया कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद डीजी साहब के डायरेक्शन पर मैं आईएसटीएम मैंने विजिट किया और वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिसर्स जो वहाँ पर हैं, जयसवाल सर हैं, मोंगा सर हैं, उनसे मिलकर बिपार्ड के ट्रेनिंग के मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया। उनको ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि बिपार्ड में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हम लोग किस प्रकार करते हैं। सो दे एग्रीड और उसके बाद यह प्रशिक्षण जो है डीओपीटी द्वारा बिपार्ड को साइन किया गया। 3 अक्टूबर को एज ए ग्रुप ट्रेनिंग से मेरी पहले इंटरेक्शन हुई थी। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो इनिशियली सम ऑफिसर कई ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि कई सारी एटीआईज में जो शेड्यूल है शेड्यूल्ड लाइट शेड्यूल है ट्रेनिंग का। आप लोग की जब पीटी की शुरुआत की गई तो उस समय कुछ कम आए थे, लगभग 70 के आसपास से एकदम बिल्कुल आराम से आए जो पीटी करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं आए। लेकिन जो नहीं आ रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली अनफिट थे। बाद में ये एक सोकोज दिया गया तो सोकोज भी हम लोगों ने दिया, बड़ा माइल्ड वर्ड का उसमें यूज किए कि बिपार्ड का ये रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए। और आप लोगों ने आना शुरू किया तो मैं आप लोग का फिजिकल जो एक्टिविटी देखा वो रियली काफ़ी अप्रिसिएबल था और फिटनेस में किसी की कोई कमी नहीं थी। जो आपका आप लोगों का फिजिक है नो डाउट बिहार से यदि कंपेरिजन करें यहाँ के ऑफिशियल से तो उसमें आप थोड़ा अच्छे ये में आते हैं, स्टेज में आते हैं। ट्रेनिंग का पर्पज ही है, होता है कि ट्रेनिंग को प्रॉब्लम दिक्कत हो उसको अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले। इनिशियली कुछ ऑफिसर द्वारा बताया जा रहा था ट्रेनिंग के हार्डशिप के बारे में, बट जैसे जैसे समय बीता जैसे जैसे समय गुजरा जैसे टाइम बीता तो मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स ने अपने आप को एक लिमिटाइज कर लिया शेड्यूल के अनुसार और उसके बाद हम लोग की ट्रेनिंग अच्छी चली, उसमें फिर कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। ट्रेनिंग जैसे जैसे प्रोग्रेस करता रहा तो बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज ऑफिसर्स के तरफ से भी आए
और एज ए लर्निंग प्रोसेस बीपार्ड्स के द्वारा भी कई सारे इनोवेटिव आइडियाज निकाले गए। लोकल विजिट, यहाँ लोकल विजिट बोधगया का कराया गया, अफसर बहुत खुश हुए। लोकल विजिट कराया गया बोधगया, एक बहुत ही सांस्कृतिक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है, सभी से रूबरू कराया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉड्यूल, प्रैक्टिकल मॉड्यूल कराया गया। बिहार में जहां महिलाओं को सम्मान और आर्थिक रूप से कमजोर माना जा रहा था, वहां एक प्रोग्राम बिहार सरकार द्वारा जो लागू किया गया, वो प्रोग्राम का नाम है जीविका, जो कि महिलाओं को ना केवल सम्मान बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बना के उन्हें समाज में एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका प्रदान किया। जीविका आज 11 लाख एसएचजी से मिलके और 68,000 वीओज, 6,000 सीएलएफ के माध्यम से आज न केवल बिहार का बल्कि देश में, पूरे देश विदेश में भी अपना नाम रोशन कर रही है। हमने मुजफ्फरपुर में देखा संगम सीएलएफ, जो कि मुजफ्फरपुर का एक सबसे बड़ा सीएलएफ था, उनकी दीदियाँ ना केवल बिहार में ही अपना नाम रोशन कर रही है बल्कि वो लवासना जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, वहाँ के लोगों को बता रही है कि कैसे जीविका ने उनके जीवन को बदला और कैसे वो आगे दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बना रही हैं। अपने विजिट पे पहले हमने सीता जीविका गए, वहाँ पे हमने उनका कार्य देखा कि किस तरह वो कार्य करते हैं। पहले सबसे पहले जब वो मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग्स में अपने एंथम्स गाते हैं, वो एंथम उनको एक यूनिटी प्रदान करने में मदद करते हैं। फिर वो हाजिरी लगाती हैं, पुराने मुद्दे को डिस्कस करते हैं कि पिछला मीटिंग किन मुद्दों पे हुआ था, उस मुद्दे से उनको क्या लाभ हुआ, फिर आज वो अपनी कमाई का कितना उनको जमा करना है इस पे डिस्कशन होता है, फिर आज आगे आने वाले मुद्दों के बारे में वो आपस में विचार करते हैं। जिन महिलाओं को किन्हीं खास चीज़ों के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। हमने ये भी देखा कि विभिन्न बैंक जो पहले जीविका को पैसे देने में हिचकिचाते थे, वो आज उनको एक अपना पोटेंशियल कस्टमर मानते हैं, क्योंकि जीविका में एनपीए पूरे मुजफ्फरपुर में less than 1% है। हमने बहुत सारे बैंकों का भी भ्रमण किया जिसमें 0% एनपीए है। रीपेमेंट रेट, हमारे बैंक अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया रीपेमेंट रेट बैंकों में जीविका अकाउंट्स में जितनी अच्छी है उतने तो बहुत सारे कॉरपोरेट्स अकाउंट में उतने अच्छे रीपेमेंट रेट ना होती है। हमने अलग अलग मशरूम क्लस्टर विजिट किया जहाँ पर जीविका के मदद से मशरूम्स का उत्पादन किया जाता है, वो मशरूम का उत्पादन जिसमें एआई का यूज किया जा रहा है, वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो भी आजकल एआई का उपयोग करके मशरूम्स पैदा कर रही हैं। वहाँ कलर सेंसिंग कैमरा लगा हुआ है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी हुई है। ट्रेनिंग के पार्ट में भी पहाड़ियन जो होते हैं वो जाते हैं कहीं ना कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो एएसओ को भी हम लोगों ने दार्जिलिंग भेजा
और ट्रेकिंग का मेन पर्पस जो होता है कि हार्श कंडीशन में भी कैसे हम अपना लाइफ जीते हैं, और यदि कोई ट्रबल आ रहा है तो उसको फेस हमें करना है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए। लास्ट ग्रुप है, मुझको ये है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स। ये सारे जो है, जो ऐसे आप लोग सब आए हुए हो, ये है आपका, जैसे जितने भी मिनिस्ट्रीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज है, उस मिनिस्ट्रीज के जो एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, उनके लिए है। तो आप लोग जैसे आए हो कि आप लोग अटैच्ड हो बीपार्ट के साथ, यू आर नॉट द एक्चुअल और प्रॉपर बीपार्ट कैंडिडेट। आप लोग आए हैं वहाँ से, फिर बीपार्ट के साथ अटैच्ड है, और बीपार्ट ये प्लान किया है। तो जैसे पहले भी इन लोगों का कोर्स हम लोगों ने चलाया, तो उन लोगों का थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा था। लोग हम लोगों के हाथ में पूरा फुल 5 दिन, 4 या 5 दिन मिलता था, तो उस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते थे कोर्स को। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ हमें 3 दिन मिला है, और उसी 3 दिन में वो सारे एक्टिविटीज़ भी देना है। तो उस तरीके से हम लोगों ने ये प्लान किया, और उस प्लानिंग में जैसे अभी आप लोगों का था, रॉक क्लाइंबिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, देन रैपलिंग, एंड जो ट्री टॉप एडवेंचर कोर्स वो भी हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले थोड़ा सा टेंस था इस मामले में कि 120 आ, हाउ टू हैंडल। लेकिन कसम से आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा लगा। ट्रेनिंग का अंतिम सप्ताह हम लोगों ने होटल में कराया था, बोधगया के होटल में। उसका पर्पज़ यही था कि एक इन्वायरमेंट चेंज हो, थोड़ा अलग इन्वायरमेंट में एक सप्ताह का प्रशिक्षण हो, और दूसरा ये भी था कि उसमें ज़्यादातर प्रेजेंटेशन थे। इन ऑफिसर्स ने जितने ट्रेनिंग अब तक लिए थे, जितने इनके विजिट हुए था, उन सबके प्रेजेंटेशन थे, जॉब सिमुलेशन टेस्ट थे। तो इस सब टेस्ट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी था कि इनको एक अलग इन्वायरमेंट में रखा जाए। तो एक सप्ताह का ट्रेनिंग हम लोगों ने वहाँ कंप्लीट किया। पनीर खट्टा था, पनीर खट्टा था। रवि इसका इंचार्ज कौन है? 1 लाख पेनल्टी लगा।
शांत बाबा शांत बाबा, आपका आशीर्वाद सदियों से हमारे परिवार से बना। मैं नो कहूं था, मेरा नया नया ब्याह हुआ है, जो तुम आशीर्वाद दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो अंतिम सप्ताह था उसके बाद हम लोग इसका जो वैलिडिक्शन है, फिर वैलिडिक्शन हम लोगों ने प्लान किया जो कि विपाट कैंपस में वैलिडिक्शन किया गया। जनरली वैलिडिक्शन जो होता है इमोशनल होता है। वैलिडिक्शन के समय इन बच्चों के साथ और इन ऑफिसर्स के साथ एक मेरा अपना भी पर्सनल लगाव हो गया था। कई चीज़ें होती हैं जो कोर्स कोऑर्डिनेटर और ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बीच में डेवलप हो जाती हैं, तो एक भावनात्मक माहौल में इसको वैलिडिक्शन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई।